काफी सक्सेसफुल किसी का पर हम सबको अपनी पर हम सबको अपनी लाइफ में होगा अगर हमको अपनी लाइफ में होगा क्या हम सक्सेस हो कौन राज कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी थी कि सक्सेस वगैरह का कभी बहुत सोचा नहीं। हर कदम पर जो उचित लगा वो करता चला गया, उसी से अगला कदम निकलता चला गया। सक्सेस की सोच करके तो मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। सक्सेस की बात सोच करके तो मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। जो लोग उन बैकग्राउंड से आते हैं जहां से मैं हूं, उनके सपने दूसरी तरह के होते हैं, उनकी सोच कल्पनाएं लक्ष्य दूसरे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरा 10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हो जाए तो मुझे न्यूयॉर्क में किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में बिल्कुल टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। सोच ये नहीं होगी कि मैं कानपुर में होऊंगा और तुमसे बात कर रहा होऊंगा। सक्सेस की सोचता तो तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। जीवन ऐसा नहीं बीता है कि उसमें बहुत योजना बनाकर काम किया गया हो। एक एक कदम रखे और हर कदम पे जैसा मैंने कहा जो उचित लगा उसी से अगला कदम निकलता चला गया। और इसीलिए उसमें एक मज़ा है, एक अनियोजितता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और इसीलिए आगे बढ़ने का मज़ा भी है क्योंकि पता नहीं है कि आगे क्या बैठा हुआ है। अगर पहले से ही पता है कि कल क्या होने जा रहा है तो फिर जीने में कोई मज़ा नहीं रह जाता। और ये पक्का है कि जो भी करता था ईमानदारी से करता था, जो भी मेरी स्थिति होती थी मुझे पता था होता था कि ये मेरी स्थिति है। अपने आप से झूठ कभी नहीं बोला। अगर मुझे दिख रहा होता था कि कोई काम मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है तो ये मैंने स्वीकार किया कि हाँ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। ये नहीं कहा अपने आप से कि नहीं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मन है। तो अपनी जैसी भी स्थिति थी, अच्छी बुरी, मन मुताबिक मन विरुद्ध, उसको जानता रहा। समझ रहे हो ना? ये नहीं भूला कि मुझे ये काम ठीक लग रहा है कि नहीं। विपरीत परिस्थितियां भी रही, ऐसे भी दिन रहे जब ऐसे काम करे जिसमें कोई मन था नहीं अपना, पर तब भी इस बात की स्मृति लगातार बनी रही कि ये ज़बरदस्ती ही हो रही है और इसको बहुत दिन तक चलना नहीं है। भीड़ में खो नहीं गया, अपने आप से झूठ नहीं बोल दिया। बस वैसे ही है, चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं, उसमें और कोई बड़ा राज नहीं है। तो अगर तुम एक बात पूछना चाहोगे कि एक बात क्या रही है, तो एक बात ये रही है कि अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने प्रति ईमानदार रहो। साफ साफ तुम्हें पता रहे कि अभी क्या बात है और उस ईमानदारी से अगला कदम अपने आप निकल आएगा। आदमी जब अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देता है, जब खुद ही तय कर लेता है कि अपने आप को धोखे में रखना है, तब फिर कोई इलाज संभव नहीं हो पाता। कोई बाहर वाला आपको धोखा दे रहा हो आप चेत सकते हो, पर जब खुद ही धोखा दिया जा रहा हो, सेल्फ डिसेप्शन चल रहा हो, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो मत करना। जीवन को साफ साफ देखते रहो और तुम्हें स्पष्ट पता रहे कि ये बात है अपनी नज़र से, है ना?
बोलो फ्रस्ट्रेशन कुछ विशेष नहीं, फ्रस्ट्रेशन कई वजहों से आ सकती है, उसके साथ जीना पड़ता है। क्या नाम है? हाँ, पवन ने पूछा कि फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। पवन, जब तक जीवन है तब तक फ्रस्ट्रेशन की स्थितियाँ आने की संभावना बनी ही रहेगी। जीवन है तो उम्मीद करोगे, इच्छा करोगे, और जब भी वो पूरी नहीं होंगी तो उनके पूरे ना होने का ही नाम फ्रस्ट्रेशन है। समझ रहे हो ना? तुम उसमें विशेष कुछ कर नहीं सकते इसके सिवा कि उस फ्रस्ट्रेशन से इनकार ना करो। हम में से ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेशन को बहुत बुरी चीज़ समझते हैं। देखो ना, तुमने सवाल भी क्या पूछा है कि फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति कैसे पाएं। अब मुक्ति तो बीमारी से ही पाई जाती है। तुमने पहले ही घोषणा कर दी है कि फ्रस्ट्रेशन एक बीमारी है। फ्रस्ट्रेशन बीमारी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन मन का सत्य है। जब तक मन है तब तक उसमें कहीं ना कहीं एक बेचैनी बनी ही रहेगी, एक फ्रस्ट्रेशन बनी ही रहेगी। उसको अगर तुमने अपराध घोषित कर दिया या बीमारी घोषित कर दिया तो तुमने अपने आप को हमेशा के लिए अपराधी और बीमार घोषित कर दिया। क्या करें फ्रस्ट्रेशन का जब उठे? कुछ ना करें, बस स्वीकार करें कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं और हंसे। खुद ही बोले पवन आप अपने आप से कि पवन आज तो तू बहुत फ्रस्ट्रेटेड है बेटा, बिल्कुल खींचा हुआ है या दुखी है या उबा हुआ है या बोरियत में है। तुम्हें उसको साफ साफ स्वीकार करना होगा। उस पर ये लेबल नहीं चिपकाना है कि फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। फ्रस्ट्रेशन तो रहेगी ही, ठीक वैसे ही जैसे कि जब तक शरीर है तब तक बीमारी है और जब तक शरीर है तब तक मृत्यु भी है। मानते हो कि नहीं? मन की एक अवस्था है फ्रस्ट्रेशन। मन फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसे होने दो, तुम मत रहना। मन फ्रस्ट्रेटेड है, मन को रहने दो फ्रस्ट्रेटेड। तुम उसे देखो और स्वीकार करो कि हाँ मन अभी फ्रस्ट्रेटेड है, व्यग्र है, चिंतित है, चिड़चिड़ा रहा है। मन अभी चिड़चिड़ा रहा है तो और कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, फ्रस्ट्रेशन से लड़ने की, उसे भगाने की कोशिश की तो उसे और पुख्ता कर दोगे। मन से लड़ा नहीं जा सकता, मन से लड़ा नहीं जा सकता, मन को केवल समझा जा सकता है, मन को केवल समझा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? हम में से अधिकतर लोग फ्रस्ट्रेशन को कोई बहुत बुरी बात समझ करके उसे पिंड छुटाने की कोशिश करते रहते हैं। उसको बुरी बात समझना तो समझ में आता है क्योंकि वो बेचैनी देती है, कष्ट उठता है फ्रस्ट्रेशन के क्षण में। फ्रस्ट्रेशन कष्ट ही है, लेकिन जब कोई कहता है कि इससे पिंड छुड़ाना है तो बड़ी नासमझी की बात कर रहा है। कष्ट समझ में आता है, नासमझी नहीं समझ में आती। समझ रहे हो बात को? फ्रस्ट्रेशन रहेगी, तुम उससे दूर हो सकते हो। मेरे सामने ये पानी की बोतल रखी हुई है, ये बोतल रही आए फिर भी मैं इससे अपना संपर्क तो तोड़ सकता हूं ना। ये रही फ्रस्ट्रेशन, ये मुझे प्रभावित तभी तक करेगी जब तक मैंने इसको पकड़ रखा है। इसको छोड़ देना मेरे हाथ में, मैं इसे छोड़ सकता हूं। छोड़ दो, दूर हो जाओ। मैं इसका कत्ल करने की कोशिश मत करो, इसको बीमारी मत घोषित कर दो कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरी चीज है। है फ्रस्ट्रेशन, दिमाग, ये दिमाग है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, मैं उसको देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि फ्रस्ट्रेशन है। और जैसे ही तुम दिमाग से जरा सी एक दूरी बना करके उसको जानना शुरू करते हो, तुम पाते हो कि दिमाग अपने आप शांत होएगा।
दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। दिक्कत इस बोतल में नहीं है, दिक्कत तब है जब मैं इसको पकड़ के रख लूँ। इसे पकड़ो मत, इसे छोड़ दो, अपनी जगह है इसको रहने दो, समझ रहे हो? पर तुम उसे छोड़ करके उसका होना स्वीकार नहीं कर पाओगे जब तक तुमने ठान रखा है कि उससे लड़ना है, उसे खत्म कर देना है। उसे खत्म करने की मत सोचो, जैसा तुम्हारा मन है उसमें उसका उठना लाजिमी है, उसे खत्म नहीं कर पाओगे। उसको खत्म करने का अर्थ होगा अपने मन को खत्म कर देना, बड़ी लंबी प्रक्रिया है, उससे मत उलझो अभी। अभी तो बस एक दूरी बनाओ, समझ रहे हो? राहुल आज बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, राहुल अपने आप से ये कह रहा है या अपने दोस्त से बोल रहा है, यार आज तो मेरी हालत पूछो ही मत, बहुत ख़राब है। और ये बात वो रोते हुए नहीं कह रहा, मुस्कुरा के कह रहा है। मज़ा आएगा ना ऐसे जीने में, कि अपनी ही ख़राब हालत को मुस्कुरा के बयान कर रहे हो, समझ रहे हो बात को? सर आपकी जो सक्सेस का पैमाना, सक्सेस का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या नाम है? रत्नेश पाल। रत्नेश ने पूछा सक्सेस का पैमाना क्या होना चाहिए। रत्नेश कोई पैमाना नहीं है, हर पैमाना बाहरी होता है। तुम अपनी ऊंचाई नापते हो ना किसी पैमाने पर, वो पैमाना तुमने बनाया क्या? पैमाना माने स्टैंडर्ड, वो तुमने बनाया पैमाना? पैमाना किसी और ने बनाया, ऊंचाई तुम अपनी नापते हो उस पर, है ना? हर पैमाना कहीं और से आता है, बाहरी होता है, और सफलता होती है तुम्हारी अपनी। उसको किसी और के पैमाने पर कैसे नाप सकते हो? अपने आप को दूसरों के पैमानों पर नापना छोड़ो, नहीं तो पैमाने के अनुसार तुम सफल होगे पर तुम साफ साफ जानते होगे कि सफलता जैसा मुझे कुछ मिला नहीं है। और तुम गहरे रूप से सफल हो सकते हो पर पैमाना ये बोलेगा कि इसको तो कुछ मिला नहीं है तो असफल ही है। सांसारिक पैमाना ये हो सकता है कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुम सफल हो और इतने पैसे नहीं हैं तो तुम असफल हो, ये बिल्कुल हो सकता है एक सांसारिक पैमाना। पर उतने पैसे होने पर भी तुम्हारा मन रोया रोया जा रहा है तो तुम सफल हो? उतने पैसे होने पर भी उससे 10 गुना और पाने की चाहत अभी बनी ही हुई है तो तुम सफल हो? और तुम्हारे पास नहीं है उतने पैसे जितने संसारी पैमाने के अनुसार होने चाहिए, लेकिन फिर भी मन शांत है, स्थिर है, तो तुम सफल हो कि नहीं हो? किस पैमाने पे नापोगे अपने आप को? कोई पैमाना नहीं है, तुम्हारी अपनी समझ ही पैमाना है, अपनी दृष्टि के अनुसार। अगर जीवन जीने का साहस दिखाया तो सफल हो, फिर किसी पैमाने की आवश्यकता नहीं, फिर किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगना पड़ेगा, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं सफल हूँ या नहीं हूँ, ऐसा सवाल ही नहीं उठेगा। फिर आस पड़ोस जो भी बोलता रहे, समाज जो भी बोलता रहे, संबंधी जो भी बोलते रहे, तुम्हें अंतर नहीं पड़ेगा। वो कहते रहे कि अरे ये तो असफल ही रह गया जीवन में, तुम हंस दोगे, तुम कहोगे ठीक जो आपको लगे सोचिए, मुझे अपना पता है, मुझे अपनी खबर है। बात समझ रहे हो? कोई पैमाना नहीं है। जो वास्तविक रूप से सफल आदमी है वो असल में सफलता के बारे में सोचता भी नहीं है। तो उससे पूछोगे तुम सफल हो या असफल, तो ठिठक जाएगा, वो कहेगा ये तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो जी रहे थे, मौज कर रहे थे, हम तो जी रहे थे, मौज कर रहे थे। तुम किसी के साथ खेल रहे हो बड़ी मस्ती में, कोई प्यारा दोस्त है तुम्हारा, जब खेल लो तो कोई तुमसे पूछे तुम सफल हो या असफल, तो क्या जवाब दोगे? तुम कहोगे कैसा बेहुदा सवाल है, अरे मैं तो खेल रहा हूँ, इसमें क्या सफलता क्या असफलता। यही असली जीवन है कि क्या सफलता क्या असफलता, हमने तो मज़े किए, हम यहाँ पर कुछ पाने थोड़ी आए थे कि कुछ इकट्ठा करना है, कुछ अचीवमेंट है, कुछ अकम्प्लिश करना है। कोई पैमाना नहीं है, किसी पैमाने पर अपने आप को मत नापो। तुम इतने बड़े हो कि किसी पैमाने में समाओगे नहीं,
वही पैमाना तुम्हें नहीं नाप सकता। ये सब बाहरी पैमाने हैं, ये नासमझ लोगों ने तैयार कर दिए हैं और ये कह रहे हैं कि एक पैमाने के अनुसार पूरी दुनिया चले, ऐसा होता नहीं है। तुम्हारे ऊपर अब सब दुनिया में हो वहाँ पर बहुत तरह के दबाव रहेंगे कि तुम ये करो तब तुम सफल माने गए, ये करो तब तुम सफल माने गए, और ये सब तुम्हारे पास नहीं तो असफल हो। पर इन आवाज़ों को सुन मत लेना, और सुन भी लिया तो ध्यान मत दे देना, इनमें कुछ रखा नहीं है। ये बस तुमको भीड़ का एक हिस्सा बना देंगे, another brick in the wall। जान रहे हो, साहसपूर्ण जीवन जियो भाई, जवान लोग हो, पैमाने वगैरह छोड़ो, बेंचमार्क्स के पीछे भागना छोड़ो। बाहरी बातों में पैमाने हो सकते हैं, कोई तुम्हारा बुखार नाप सकता है एक थर्मामीटर ला करके, कोई तुम्हारी ऊंचाई नाप सकता है एक स्केल ला करके, पर तुमने जीवन कैसा जिया ये सिर्फ तुम जान सकते हो, ये बाहरी बात नहीं है। इसके लिए किसी पर निर्भर मत हो जाना, ये बात तो बस अपनी ही दृष्टि से देखी जाती है कि क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैं समझ रहा हूँ, क्या मैं समझ भी रहा हूँ, क्या मैं होश में हूँ। होश में हो तो सफल हो, अब किसी पैमाने की जरूरत नहीं, ठीक है। वैसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे पढ़ने का कारण ही गड़बड़ है। जब तक तुम इस कारण पढ़ोगे कि पिताजी हम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तब तक तुम्हारे पढ़ने में कोई रस नहीं रहेगा। तब तक तुम पढ़ाई को बस एक कर्तव्य समझ के पढ़ोगे, और कर्तव्य में किसका मन लगा है आज तक? असली पढ़ाई होती है जब तुम कर्तव्य के कारण नहीं प्रेम के कारण पढ़ते हो, जब तुम्हें पढ़ने में मजा आता है। जितने भी लोगों ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो उन पर मात्र एक ड्यूटी था, एक बंधन था, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, दायित्व, ये सब शब्द खूब सुनते हो ना कि तुम्हारा दायित्व बनता है ऐसा करो वैसा करो, जब तक दायित्वों का निर्वाह करते रहोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा प्रकृति नहीं है दायित्व निभाना, तुम्हारा कोई दायित्व सच पूछो तो है ही नहीं। तुम्हारा एकमात्र दायित्व है अपने प्रति सजग रहना और एक होशपूर्ण जीवन जीना, और कोई दायित्व नहीं है तुम्हारा। कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया जाता पढ़ाई करके, एजुकेशन ड्यूटी की तरह नहीं हो सकती, ये तो तुम्हारी मौज है, तुम्हारा जीवन है, ये तो तुम्हारा उत्सव है कि मैं पढ़ रहा हूँ मुझे मज़े आ रहे हैं। तुम ऐसे सोच के पढ़ोगे कि अरे इतने पैसे लगे हैं तो पढ़ लेना चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए पढ़ लोगे, फिर वही होगा जो तुम्हारे साथ होता है, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। कर्तव्य तो बोझ होता, उसको कौन कितनी देर तक ढो सकता है, प्रेम बोझ नहीं होता। कर्तव्य बोझ होता है, उसको बहुत देर तक नहीं ढो पाओगे। जीवन में जो कुछ भी कर्तव्य के नाते दायित्व के नाते करोगे उसमें कभी कोई गर्मी नहीं रहेगी, वो हमेशा एक मुर्दा मुर्दा ठंडी सी चीज रहेगी। और हम करें क्या, हमारे सारे संबंध ही प्रेम की जगह कर्तव्य पे बने हुए हैं, इसीलिए हमारे संबंधों में भी जान नहीं रहती। कैसे भी संबंध हो, घर वालों से संबंध, किताब से संबंध, कॉलेज से संबंध, स्वयं से संबंध, हर जगह तो हमने कर्तव्य ठूस रखे हैं, प्रेम का नामो निशान नहीं है। प्रेम भी कर्तव्य के नाते करते हो क्या, कि मेरा कर्तव्य है मैं प्रेम करूं, और अपने आप को कह कह के प्रेम कर सकते हो कि देख तेरा कर्तव्य है तो इससे प्रेम कर,
कितना भी बोल लो कर पाओगे? है तो है, नहीं है तो नहीं है। पढ़ाई कोई कर्तव्य नहीं है, पढ़ाई तुम्हारी अपनी जागरूकता है, उसके लिए पढ़ो, जानने के लिए पढ़ो, जगने के लिए पढ़ो, और फिर पढ़ाई बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। इसलिए नहीं पढ़ो कि घर वालों ने पैसे खर्च किए हैं। घर वालों के साथ भी अगर न्याय करना है तो उनके पैसों को भूल जाओ, क्योंकि उनके पैसों की